तो तीन लोक में निराली विघ्नों का हरने वाला, ये दीवाना तन मन से गाए रखते शीस पे हाथ जरा। भाग्य विधाता ओ भाग्य विधाता है बुद्धि प्रदाता, तुम्हें पुकारे हैं हमारा हिमा सरस्वती मंडल नतमस्तक है दर्शन की मन लागिया। प्रार्थना करेंगे आराधना करेंगे ये नहीं वो है गाड़ राजा देवा मेरे देवा वो है गाड़ राजा हे महाराजा कि नहीं भगवान गजानंद महाराज वो है गाड़ राजा हे महाराजा उधर पे तेरे ले शब्दे में तिरना उतर तो बोले ये परमादरणीय सम्मानी वीर सिंह जी पटेल भोंखेड़ी आपकी ओर से एक सेवक राशि प्रणाम हिमंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं प्रार्थना करते हैं कि नहीं कि तू ही रखवाला ही। कहते हैं कि जब तक किसी भी शुभ कार्य में भगवान गजानंद महाराज की आराधना नहीं होती प्रार्थना नहीं होती कोई भी कार्य सफल नहीं होता कि नहीं। Yeah!
तू मेरे लंबोदर का नाम बड़ा परावादनी श्री रामस्वरूप जी पटेल मुकादमा नाती भैया जी पटेल बरनपुर आप दोनों भाइयों की ओर से 251 रुपए की राशि और परावादनी श्री अच्छे भैया जी पटेल बरबटपुर हाथ की ओर से 101 रुपए की राशि बनाल मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं मानव जीवन के लिए भजन मानव जी कहना नहीं कि हे मानो 84 लाख योनि के बाद तुझे ये नर्तन मिला है। 84 लाख योनि के बाद ये नर्तन मिला है और इस बार भटक गया तो समझ लेना कि 84 लाख योनि भोगना है। और बड़े सौभाग्य की बात की हमने कलयुग में जन्म लिया क्योंकि द्वापर में त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करना पड़ता था भाव से पार होने के लिए इस दुनिया में आना जाना बंद करने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर अधर उतर ही पारा। बड़ी सरल भक्ति उस परम पिता परमेश्वर के नाम से ही जीवन का उद्धार हो जाएगा और इस दुनिया में आकर परमपिता परमेश्वर का नाम भी नहीं लिया तो समझ लेना कुछ नहीं किया। परम आदरणीय भरत जी पटेल जगदीश जी पटेल बरबटपुर आपकी ओर से 251 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं मैं नहीं मेरा नहीं अपने पास है वो धन किसी का है। धन दौलत और माल खजाना तू अपना मत जान। ये धन ये दौलत ये माल ये खजाना ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तू अपना मत जान क्योंकि तू दुनिया में खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तेरे साथ उस परम पिता परमेश्वर का नाम और तेरे अच्छे कर्म जाने वाले हैं कि नहीं। धन दौलत और माल खजाना तू अपना मत जान यही पड़ा रह जाएगा जब निकलेंगे प्राण। इसलिए कि नहीं मानुष सुन ले प्राणी तेरी जिंदगानी ये दुनिया है सुन ले प्राणी तेरी जिंदगानी ये दुनिया है आनी जानी ये मकान आज मेरा है कल मेरे बच्चों का होगा और परसों उनके बच्चों का होगा। यहाँ किसी का कोई अपना नहीं उस परम पिता परमेश्वर का नाम और अपने धर्म कर्म साथ जाएंगे कि नहीं। सुन ले प्राणी तेरी जिंदगानी ये दुनिया है हरी गुण गाले सांसों पे बसाले हो जाए
जी पटेल बिलाड़ी आपकी ओर से 113 प्रकाश मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं कबीला तेरे साथ में जाए। जिस दिन तू इस दुनिया से जाएगा खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा और जाते जाते लोग कहेंगे अच्छा आदमी था चला गया, शमशान घाट में बैठकर कहेंगे अच्छा आदमी था चला गया, लेकिन वहां से आते आते ही भूल जाएंगे और 13 दिन के बाद घर की पत्नी भी भूल जाएगी जिसके लिए ना जाने अपन ने क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे कि नहीं। की गाड़ी में जिस दिन तुझे सोना होगा ना कोई तकिया होगी ना कोई बिछोना होगा, ए मखमल के गद्दे पे सोने वाले मुसाफिर एक दिन तुझे रात की ढेरी पे सोना होगा कि नहीं। तू जल जाएगा जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, तुझे जाते जाते तेरे ही अपने जला देंगे जिसे तू अपना कहता है, ये जीवन का कटु सत्य है कि नहीं। तू मर जाएगा, तू जल जाएगा, जिनके दरबार में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं। आज इस भोखेड़ी ग्राम की वो लीला है, वो कला है, यहाँ का सच्चा दरबार। जो भी अपनी बाधाएं लेकर, अपनी मुसीबत लेकर, अपनी पीड़ा लेकर इस दरबार में आते हैं, हनुमान जी महाराज का ऐसा प्राकट्य है कि इस दरबार में उनकी पीड़ाएं दूर हो जाती, उनके दुख दर्द दूर जाते हैं। लगभग 5 सालों से हम भी इस दरबार से जुड़े हैं, हमने नहीं सुना कि इस दरबार से कोई अपनी मुरादे बगैर लिए लौटता होगा, किसी की यहां से झोली खाली होती होगी, ऐसा दरबार ही कहना ही। शक्ति पुंज कहते बजरंग बली हनुमान छाती फाड़ जग को दिखाया,
कहते सीता। यहाँ का दरबार ठाकुर मंडल ढाबा कला मंच के सभी पजार ठाकुर मंडल ढाबा कला। वो पलवन की सुनाऊं पलवन की सुनाऊं बुद्धिमान की सुनाऊं हनुमान की सुनाऊं तुम तेरा ही वो पलवन की सुनाऊं बुद्धिमान की सुनाऊं हनुमान की सुनाऊं तुम कथा अंजनी कुमार की कथा अंजनी कुमार कथा अंजनी कुमार की देखो क्या लीला दिखाई। सुबह सुबह का समय था, हनुमान जी महाराज सूर्यदेव निकल रहे थे, फल जान गल के निकल लिया, सारी सृष्टि में अंधियारा छा गए, ऐसी इनकी लाएंगे नहीं। श्री राम सरूजी पटेल मुकरदा बरबटपुर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हमारे ढोलक मास्टर के पिता रोहित मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं कथा अंजनी कुमार की नहीं। हो फल जान करके निकला सृष्टि का काम बिगड़ा है इंद्र वज्र मारे हनुमान कहाँ ये क्या लीला दिखाए हनुमान। परमादरणीय श्री नटवर पटेल जी भिलाड़िया परमादरणीय श्री संतोष पटेल जी भिलाड़िया आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमादरणीय पदम सिंह जी पटेल सरपंच गोपालपुर आपकी ओर से 100 रुपए राशि हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
परम आदरणीय श्री मनोज मालवी जी मरका ढाना आपकी ओर से 101 मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाइयों को दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति देखे नहीं। दुर्गा प्रसाद जी पटेल वरुण आपकी ओर से कौट बगिरासी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्मानीय जो राम सत्ता की दुनिया के ऐसे शौकीन हैं और जितने भी राम सत्ता भजन मंडल के गायक हैं सभी की जान है, सभी के मार्गदर्शक हैं, ऐसे हमारी आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र पटेल जी सूरजपुर आपकी ओर से 101 मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका ऐसा ही सहयोग बना रहे कि नहीं। हनुमान जी महाराज के दोनों में श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला परम आदरणीय छोटे लाल छोटे पटेल जी मालन वाला आपकी ओर से 101 मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। अंजनी के चरणों का दास बना ले ओ दादा दादा पूजा करे दिन रात कर दे कहीं ना हनुमान जी महाराज से वो है कपी राजा अंजनी के लाला वो चरणों का दास बना ले ओ दादा पूजा करे दिन रात राम कर पूजा करे दिन रात। हमारे बड़े भाई आपकी ओर से
इन्हीं छवर ग्रुप में अनगिनत राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परम आदरणीय श्री भरत जी पटेल बरबटपुर आपकी ओर से एक सौ वर्ष प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जन्म में बाबा ये भौखेड़ी ग्राम जो सभी मानुभाव सभी भक्तगण इस क्षेत्र के सभी भक्तगण आपसे प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्म हर जन्म में बाबा भक्ति ना तेरी छूटे। इस दुनिया में जब भी आए तेरे ही चरणों के दास बनकर आए कि नहीं का जैसा आदेश हुआ कि हनुमान जी महाराज की कोई भी कथा है खुला मंच कथा सुनेंगे आप सुंदरकांड से। हनुमान जी महाराज परम आदरणीय जगदीश पटेल जी पुरानी बस्ती आपकी ओर से 101 प्रकाश पिनाल हिमंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में हमारे बजरंग दादा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ऐसे प्रिय और अनन्य भक्त थे जिनका बखान सारी रामायण के अंतर्गत बाबा तुलसीदास जी ने किया है कि नहीं कि जब हनुमान जी महाराज सागर पार करके माता जानकी की खबर लेने के लिए लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचकर
माता जानकी अशोक वाटिका में होती है उनका पता लगाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा भेजी गई मुद्रिका माता जानकी को देते हैं। सारा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का वृतांत सुनाते हैं और माता जानकी उन्हें चूड़ामणि देती है और वहां का सारा वृतांत लेकर वापस सागर के इस पार आते हैं, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सारे रामादल के साथ हनुमान जी महाराज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हनुमान जी महाराज आते ही क्या होता है, भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, खींच रही बहुत। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी और बढ़ा दो। हेलो परमादरणीय सुनील जी रघुवंशी सीनी मालवा आपकी ओर से एक सेवक सिकदार हिमंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कबर ले आ गए हनुमान जिया, निहारे बैठे थे रवाना के परमादनी माँ रेवा रेडीमेड स्टोर शोभापुर भौखेड़ी कला हरीश भैया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज माता जानकी की खबर लेकर आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ी व्याकुलता से पूछते हैं, क्या हनुमान आपने मेरी जानकी का पता लगाया? क्यों? हनुमान जी कहते हैं, हाँ स्वामी लगाया। मेरी जानकी कैसी है, किस हाल में है? क्या आपने मेरी जानकी से बातें की? हाँ स्वामी की। उनकी बातों से आपको क्या लगा? बड़ी व्याकुलता से पूछते हैं, क्या होता है? होशिया की ये बातों से लगा क्या हनुमान ए
बीमार दिल से कुछ नहीं बताया होगा, उन्हें पता है मैं अपने दुख दर्द बताऊंगी। मेरे प्रभु राम बड़े दुखी होंगे, मेरे स्वामी दुखी होंगे, इसलिए आपने उनकी आंखों से बयां किया होगा, पता किया होगा कि वो किस हाल में, कैसी ही, क्या कहती।